बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहकीकी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप में ऐड किया तहकीक के खातिर, रिसर्च के खातिर, जहाँ पे बच्चों के सेक्स वीडियोस थे और जिन बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल थी, उससे ऊपर नहीं थी, वो तो बलूगत में आते हैं और 4 साल से नीचे वाले होश में नहीं होते। इस 8 साल की उम्र की कैटेगरी 4 से 12 साल वाले कुछ बनाए गए थे बेगरतों की जानिब से, कुछ नेचुरल थे, लेकिन बनाए गए या नेचुरल दोनों में भयानक रूप था, दोनों में भयानकपन था, रोंगटे खड़ा करने वाले पॉइंट थे कि जब इनको इस उम्र में हैजान खेजी है तो ये आगे चलकर माशरे में क्या गुल खिलाएंगे। और ऐसे हजारों लाखों वीडियो मौजूद हैं, अल्लाह अकबर, जो माएँ बहनें भाभियाँ और घर के जो दूसरे औरतें हैं छोटे बच्चों से हरकतें करवाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रखना, जब आप तारीख इस्लाम पढ़ेंगे, बाइबल तौरे तो कुरान शरीफ पढ़ेंगे, जबूर पढ़ेंगे, जितने कौमों को सजा हुए, नर जना, मादा जना, जना पर हुए, सूद पे नहीं हुए, के काला आपस में लड़ा कूला से, टक्का पट्टू से लड़ा, या किसी ने किसी को चपाट लाया, अल्लाह सुभान व तआला को गुस्सा आया और उस कौम को खत्म किया। कभी चपाट मारने पे, कभी खून करने पे, कभी सूद खाने पे, कभी हज न करने पे, कभी नमाज न पढ़ने पे, नमाज तो झुकना तो जो सभी फिका इस पे मुतफिक हैं, जो नमाज ना पढ़े तो वो मुसलमान नहीं है, वो बात नहीं लानी चाहिए, बल्कि बाकी बातों में तो रियायत है, खुलेआम छूट है, बाकायदा छूट, लूट मार वाला छूट है, इबादत नमाज में नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह को डायरेक्ट नहीं मानता, अल्लाह अकबर। और ये वीडियो मैंने ज्यादातर थोड़े से नेपाल के देखे, ये वीडियो जो गर्दश में है, थोड़े से काफी उसका एक चंक मैंने पाकिस्तानी पंजाब से देखा और 80% इंडिया से देखा। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अगर गैरत वाला होगा, जिसके जिसके जिस्म में उत्साह हो, फहश का उत्साह हो, गैरत वाला होगा, उस वीडियो को देखकर वो मौत की तरह मुरझा जाएगा, मौत की तरह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने जो इसमें नोट किया, जो लोकेशन थे वो इंतहाई आलीशान बेड नहीं थे, इंतहाई आलीशान महलनुमा घर नहीं थे। इन बच्चों के नर नर मादा मादा मेजॉरिटी 80% नर मादा थे, 20% नर और नर थे। तो उसमें बिस्तर जो थे उसमें 95% अगर मैं बोलूँ तो वो गरीब और मुतवस्त घरानों के थे। ऐसे बच्चे तो मुतवस्त और गरीब घरानों में के बारे में बोल चुका हूँ कि जो जिस दुनिया में जो पीछे है उसका एक सबब है पीछेपन का। ये गैर सुलझे हुए, गैर महजब और गैर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ तो होते हैं, ये मैं पंजाब में आला घराने हैं, बाकी सिंध बलूचिस्तान और सरहद में तो 90% घराने सुधरे हुए हैं। और पंजाब के साथ तो अफसोस से के साथ कहना पड़ता है, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, अल्लाह अकबर। जरा सोचिए कि बड़े होकर क्या गुल खिलाएंगे, जब इतने 2 फुट के हैं, 1.5 फुट के हैं, ये इसी उम्र में जो ये गुल खिला रहे हैं वो आगे चलकर क्या होंगे, वो बेगरती का फैक्ट्री होंगे, बेताज बादशाह होंगे बेगरती का, अल्लाह अकबर। हम वो इंसान हैं जो 20 साल तक शादी का पता नहीं था, शादी क्यों किया जाता है, अल्लाह अकबर। ये याद कर सुकून आता है, सुकून, ऐसा सुकून कि अल्लाह अकबर, जितना वलियों का जिंदगी में सुकून था, ये बात सुनकर मुझे सुकून आता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनका सोच कर भी दिमाग मफलूज हो जाता है। याद रखें, जितने भी नबियों के कौमें तबाह हुए, जितने भी सल्तनत तबाह हुए, वो किसी न किसी
हिसाब से बेगती जना और फना में फना हुए। हर कोई अपनी इस्लाह कीजिए, अल्लाह सुबहान व तआला से मगफरत की दुआ मांगिए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान का जिंदाबाद।